सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ओ शांति शांति वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग और 40 श्लोक तक हमने पढ़ा था। और इसमें जो संध्या के समय में जो व्यक्ति सोता है या संध्या नहीं करता है तो उसको पाप लगता है, ऐसा बताया श्री भरत जी ने। तो ये कह रहे हैं कि अगर श्री राम को हमने भेजा है वन तो हमें भी वो पाप लगे। तो यहाँ निंदा की गई है संध्या काल में सोने की या अन्य कोई भी कार्य करने की। तो फिर इन्होंने यहाँ पर वेद का भी प्रमाण दिया, मनुस्मृति का प्रमाण दिया, चाणक्य नीति का प्रमाण दिया। और चाणक्य नीति के श्लोक में बताया कि जो शुचिता नहीं रखता है, कुचेलिनम, मैले कुचेले वस्त्र, तो वस्त्र से मतलब यहाँ केवल वस्त्र ही नहीं लिया जाएगा, शरीर, इंद्रियां, स्थान सब ले लिया जाएगा। यम नियमों में शौच को सबसे पहले महत्व दिया ना महर्षि पतंजलि जी ने कि शुचिता रखनी चाहिए। वस्त्र कम हो, ज्यादा हो, महंगे हो, सस्ते हो, कैसे भी हो, पर गंदे नहीं होने चाहिए। शरीर कैसा भी जैसा भी भगवान ने दिया है, काला गोरा छोटा बड़ा, कहीं भी हम कैसी भी स्थिति में सर्वांग पूर्ण है, कोई अंग न्यून है, कैसे भी है, पर उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, बाहर से भी अंदर से भी। तो नहीं तो उसको श्री उसका त्याग कर देती है। श्री के दो अर्थ हैं, एक धन ऐश्वर्य, एक श्री का अर्थ होता है यश कीर्ति, एक श्री का अर्थ होता है अंदर का जो ओज तेज। तो वो सब इस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। और दंत मलोपधारिणम, जो दंत धावन नहीं करते हैं, तो ये दंत धावन भी यहाँ पर सारी ही इंद्रियों की शुचिता का उपलक्षण है। बह्वाशिनम, बहुत ज्यादा खाने वाला, तो बहुत ज्यादा खाना भी पाप बता दिया चाणक्य नीति में, श्री उसका त्याग कर देती है। निष्ठुर वाक्य भाषिणम, जिसमें स्थिरता नहीं है, न स्थिर निष्ठुर, जिनमें स्थिरता नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं ऐसे ही, तो उसको भी श्री छोड़ देती है। सूर्योदय ही अस्ततमये अपि, सूर्योदय और अस्ततमये अपि, सूर्यास्त के समय, शयनम जो सोने वाला है, श्री ही विमुंचति, उसको श्री छोड़ देती, उसके पास श्री नहीं रहती, उसके पास धन ऐश्वर्य नहीं रहता है, लक्ष्मी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का विद्या या कला कौशल कुशलता उसके अंदर नहीं रह पाती हैं। अपि चक्रपाणिम, चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, कितने भी बड़े गुरु का शिष्य हो,
कितने भी धनवान माँ बाप का बेटा हो, कितने भी उसके पास डिग्री डिप्लोमा पदवी हो, कुछ भी हो, अगर ये चीज़ें उसने ठीक नहीं की तो फिर उसके पास श्री नहीं रहती है। तो कभी कभी ना कुछ लोग ऐसे आपको कहते हुए आप सुन सकते हैं कि देखो हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये तो कलयुग है, तो जो वास्तव में योग्य होते हैं उनके पास तो कुछ मिलता नहीं है, और जो अयोग्य होते हैं उनके पास सब कुछ मिलता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन उस समय ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में, विचार में, भाव में, कार्य में, नियत में कहीं ना कहीं कोई अशुचिता मिलेगी। वैसे तो दूसरों से तुलना करना यही अपने आप में अशुचिता है, कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्माशय है, अपनी अपनी एक यात्रा चल रही है जीवन की। तो जैसा उसका कर्माशय है, जैसा उसने पिछले जन्म में किया था या इस समय जिस भाव से वो करता है, तो वैसा ही उसको फल मिलेगा। एक जैसा मिल सकता नहीं है कभी किसी को। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्, कर्मों की विचित्रता के कारण सृष्टि में भी विचित्रता है। तो हमें रामायण यहाँ पर ये उपदेश दे रही है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन तो जरूर करना चाहिए, और दूसरा शुचिता, और कर्तव्य पालन से भी शुचिता ही आती है। कर्तव्य पालन भी क्यों करना चाहिए, उससे भी अंतःकरण की शुचिता होती है, इसलिए करना चाहिए। अब जैसे ये हमारे संवाद करने वाली जो टीम है भाइयों की, तो ये बेचारे लगे रहते हैं 10:30-11 बजे तक भी, तो क्योंकि इनको ये नियत किया है गुरु ने इस कार्य में, और ये श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं या बड़ों के आशीषों के पात्र बनते हैं, और अपने कर्तव्य को पूरा करने से अपना अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, इसलिए करना चाहिए। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, कोई प्रश्न है किसी का, बोलिए। ओम पूज्य दीदी, आपके चरण प्रणाम। काल बोला है आपने, कठिन समय व्यक्ति जो अभिव्यक्ति होता है वो असली होता है। ये विस्तार से बोलिए कैसे, क्योंकि उस समय वो सोच नहीं पाते हैं ना। वो कठिन समय कौन किसको बोलता है? कठिन समय उसको बोलते हैं जब कोई प्रतिकूल वातावरण हमारे सामने होता है। प्रतिकूल मतलब जो हमें पसंद नहीं है, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर दे, कोई हमें गाली दे, तो उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं? या घर में कोई बहुत पैसे की, धन आदि की तंगी आ जाए, पैसे हैं नहीं, उस समय व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है? तो उस समय व्यक्ति दूसरों को दोषी ठहराता है, ऐसे करता है, वो अपने फिर बचा के रखना चाहता है कि ये सब किसके कारण हो रहा है। जब व्यक्ति धनहीन होता है तो धनवानों को गाली देता है, बोले हमारे हिस्से का धन ये लिए बैठे हैं तो इसलिए हम भूखे हैं। अगर देश में समानता आ जाए, कोई ऐसा न्यायप्रिय राजा आ जाए कि जो सब में समान समान धन बांट दे, तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लॉजिक से बड़ा अच्छा भी लगता है ये सुनना, है ना। तो तर्क कभी भी सत्य को प्राप्त, ये सत्य नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दो बार ऐसा किया भी, जो समाजवाद का प्रखर पोषक हैं जो, तो उन्होंने एक दो बार ऐसे किया भी, सब धन इकट्ठा करो धनवानों से और सब में बराबर बराबर बांट दो, और पता लगा कि 4 महीने के बाद फिर वो वैसे ही हो गए जो धनवान थे, फिर धनवान हो गए वो, उनके पास पूरे देश का 95% धन 5% लोगों के पास होता है, और 5% धन 95 के पास होता है देश का, ये रेशो रहता है हमेशा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेहनत ही 5% लोग करते हैं उतने धन के लिए। श्रद्धे स्वामी जी महाराज की तरह पुरुषार्थ करने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे? 5%, मुश्किल से ही 5% मिलते हैं, कौन करे इतना।
वो करते हैं उनके पास है, और 95% लोग ऐसे हैं जो इतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो मांगते ही वही हैं, मालिक इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, बस कुटुंब तक ही सोचते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं और साध भी भूखा ना, कोई घर में आ जाए तो उसको खिला दें और हम खा लें, बस इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अब वो मांगते इतना है तो उनको ज्यादा बताओ कैसे मिलेगा, मिलेगा ही नहीं ना। तो कई बार जो धनहीन होते हैं वो धनवानों को कोसते हैं, जो बलहीन होते हैं वो बलवानों को कोसते हैं, विद्याहीन होते हैं वो विद्वानों को कोसते हैं, जो साधन भजन नहीं करते हैं वो साधकों को कोसते हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं ढोंग पाखंड कुछ तो बोलते हैं ना उसको। तो इससे ये पता लगता है कि ये उनके अंदर कुछ कुंठाएं भरी हुई हैं, तो अपने कुंठाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे नहीं बन सके, वो नहीं बन सके तो अब उनकी प्रशंसा करना, ये उनके अंदर संस्कार है नहीं किसी की अच्छी चीज को देख के, तो फिर वो अपनी कुंठाएं अभिव्यक्त करते हैं। तो अब इनके सामने जो ये कठिन समय है भरत जी के सामने, तो इस मतलब इन्होंने तो कोई दोष नहीं किया ना, तो ये माता कौशल्या को भी उल्टा जवाब दे सकते थे, उल्टा बोल सकते थे ना ये कि आपको तो पता ही है हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप कुछ भी कहे जा रही हैं, तो आप बड़ी माँ हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, पर ऐसे तो तब बोलते जब उनके अंदर इस तरह के संस्कार होते, उनके अंदर तो संस्कार ही बहुत उच्च कोटि के हैं। तो वो माता को भी ये सोच रहे हैं कि माता इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि ये अत्यंत शोक से पीड़ित हैं, वरना तो मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, विदुषी हैं, धार्मिक हैं, ऐसा उनके मन में संस्कार है इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे यदि हमारे खुद के संस्कार ऐसे अच्छे हों, तो किसी ऐसे समय में मान लो कि कोई अपने से वरिष्ठ व्यक्ति एक अलग तरह का रिएक्ट करता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति तो अच्छे हैं, तो जरूर कोई ना कोई इनको शोक, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा होगा, तो उसके कारण ये ऐसे कर रहे हैं, वरना तो ये अच्छे हैं। तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता है कर्माशय हमारे वाला बुरा, और उस व्यक्ति का भी नहीं बढ़ता है, वो भी सोचता है कि भाई हम इनको नाहक ही डांट रहे हैं और ये तो देखो कितने अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, तो बस फिर वो जो नेगेटिव फोर्स थी वो वहीं खत्म हो जाती है। आग को जब जलने के लिए और कोई पदार्थ नहीं मिलेगा तो कितनी देर जलेगी आग, थोड़ी सी देर जल के बुझ जाएगी ना, फिर जैसे पत्थर जलते 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 दीवार के पास चली गई आग, तो जब तक ये मैट मिला, बोर्ड मिला, आपके टेबल मिले, आसन मिले, तब तक तो जलती रहेगी, फिर दीवार के पास जाके थोड़ी देर जलेगी फिर बुझ जाएगी, क्योंकि जलाने के लिए कुछ है ही नहीं ना अभी। तो ऐसे हमारे अंदर के भी दोष तब तक आगे बढ़ते हैं जब उधर से भी रिस्पॉन्स मिलता है, जब दूसरा व्यक्ति भी कहता है ईंट का जवाब, हाँ तो उधर से भी जब पत्थर आता है तब दूसरी ईंट उठती है, फिर इधर से उधर से कोई नहीं आता है तो बोले अब इनके साथ झगड़े भी क्या, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, छोड़ो, उसका भी रुक जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भरत जी कठिन समय में भी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि उनका चरित्र बहुत ऊंचा है। और कोई प्रश्न है किसी का? लगता है आप तो अपने शास्त्र स्मरण करने में जोर दे रखा है, अच्छी बात है, वही देना चाहिए, इस समय आपका सबसे प्रथम कार्य वही है। लेकिन सेवा वाले तो चिंतन कर सकते हैं उनका, आप भी श्लोक याद कर रहे हो क्या सेवा वालों? विनोद जी आपकी टीम लगी है क्या? हाँ कहा तो था मैंने, एक एक श्लोक याद कर रहे हैं गीता का? नहीं कोई भी श्लोक, मैंने गीता नहीं कहा था, रामायण, गीता, चाणक्य नीति, विदुर नीति, मनुस्मृति, कहीं से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर करना ऐसे नहीं कि जो कभी पीछे 7 जन्मों में याद किए थे वो इकट्ठे करके ले आओ ऐसे नहीं करना, पहले से याद कर रखे वो मत सुनाना। चलिए आगे चलते हैं।
यदग्निदाय के पापम यत् पापम गुरु तल्पगे मित्र द्रोहे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम। यदग्निदाय के पापम, जो पाप किसको लगता है? अग्निदायक को, आग लगाने वाले को। कुछ लोग आग लगा देते हैं, अब तो बल्कि कम हो गया, पहले तो बहुत होता था क्योंकि कच्चे घर होते थे, झोपड़ा। तो जिसको जिसके साथ वैर साधना है तो वो रात को जाके उसके झोपड़े में आग लगा देता था, क्योंकि उसके खोपड़े में आग लगी है, उसका झोपड़ा जला देता था। हमने कई बार ऐसे गांवों में आग बुझवाई, किसी ने किसी के घर में लगा दी। तो ये क्या है? किसी का घर जलाना पाप। यत यत पापम अग्निदायके, यत पापम गुरु तल्पगे। और एक पाप है, पहले तो आश्रमों में ज्यादातर गुरु हैं वो गृहस्थी होते थे, तो गुरु की पत्नी पर बुरी नियत रखना ये तो महापाप है, अपनी माँ के बराबर होती है ना, गुरु माता होती है वो। तो मित्र द्रोहे च यत् पापम, और जो अपने मित्र के साथ द्रोह करे, वैसे तो किसी के साथ भी द्रोह नहीं करना चाहिए, शत्रु के साथ भी द्रोह नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र के साथ तो कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, दो मित्र मिलकर के कोई बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं और थोड़े दिन के बाद कोई एक जना उनमें से वो सब चीजें अपने उसमें लिखवा करके अपने पक्ष में लेकर के, और दूसरे को पता ही नहीं चलता है कि ये सब कब हो गया, और उसको जाके पता लगता है वर्षों के बाद। और तब जब वो उसको देखता है कि अरे ये मेरा इतना प्रिय मित्र होकर के इसने मेरे साथ इतना बड़ा दगा किया, तो उस समय उसकी जो आह निकलती है तो वो इस व्यक्ति को समूल नष्ट कर देती है। क्योंकि वो व्यक्ति जब इतना ज्यादा आहत होगा तो वो कभी कभी तो बीमार हो जाता है, कभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो उस सदमे को सह नहीं पाता है ना, और कभी कभी तो वो चल बसता है कि मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया। तो यदि वो चल बसा, उस सदमे को नहीं सहा, तो निश्चित रूप से वो अगले जन्म में आपका पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र कुछ बन के आएगा वो, और वो अपना लेके जाएगा। तो ऐसे होता है ना कई बार, इतना प्रिय पुत्र पैदा हुआ, इतने लाड़ चाव से उसको पाला, और फिर वो अचानक किसी रोग से ग्रसित हो गया और उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाए, और जब उसका अपना पीछे का हिसाब किताब पूरा हुआ चल पड़ा। ऐसी घटनाएं जो इसके जानकार हैं उन लोगों ने वो एकत्रित की, ये सच्ची ही घटनाएं हैं। और एक तो पूज्य स्वामी प्रभु आश्रित जी हुए हैं, बहुत गायत्री के बड़े उपासक थे, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक ही लिखी है, कर्म फल चक्र। एक उन्होंने लिखी है डरो, वह बड़ा जबरदस्त है, पुस्तक का हेडिंग है ये, कि भगवान की जो लाठी है वो दिखती नहीं है लेकिन मार बहुत तेज करती है, तो ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उससे डरो। तो ये सब लेन देन है। इसलिए हम इस समय अगर किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो व्यक्ति हमारे से वैर रखता है, तो समझ लो कोई पीछे का भुगतान हो रहा है। इसलिए ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, भुगता दो। आप अपने तरफ से बुरा मत करना, क्योंकि वो वैर भाव रख रहा है और इधर से आपने भी वैर के बदले में वैर फिर भेज दिया, तो फिर ये आगे भी चलेगा। तो इस खाते को अभी बंद करना है अपने को, आगे नहीं चलाना उसको। तो यहाँ पर मित्र द्रोह को पाप बताया है रामायण में, कि जो पाप मित्र द्रोह करने से लगता है तत् पापम प्रतिपद्यताम। माता जी, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने आर्य राम को वन में भेजा है। देवतानां पितृणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्म कार्षित सुश्रूषां यस्यार्योनुमते गतः सतां लोकात् सतां कीर्त्याः संजष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतो क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः
अपास्य मातु शुश्रुषाम मनर्थे सोवतिष्ठताम दीर्घ बाहुर महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः स भूयात् सततम् क्लेशी यस्यार्योनुमते गतः। देवतानां पितृणां च माता पित्रोस्तथैव च मास मास शुश्रूषां कार्षीत। तो देखो ये भी पाप है जो देवताओं की सेवा नहीं कर सकता है। देवताओं की सेवा किस तरह से हो सकती है? दो तो यज्ञ हैं, देव यज्ञ पितृ यज्ञ, वो देवों की पूजा के लिए हैं, और प्रकृति का रक्षण करना, जो पंच महाभूत हैं ये देव हैं ना, तो इनकी सेवा करना ये तो पुण्य है, और इनकी सेवा जो ना कर सके वो व्यक्ति क्या है? पापी। देवतानाम पितृणाम पितरजन, पितर कहते हैं जो अपने परिवार में भी जो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, आयु में, अनुभव में, विद्या में, ज्ञान में, अनुभव में, और आसपास भी जहाँ हम रहते हैं उस स्थान के आसपास जो लोग बड़े होते हैं उनको पितर कहते हैं। देवतानाम पितृणाम च माता पित्रोस्तथैव च, और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है तो ये तो उसको गाली की तरह से कह रहे हैं। यस्य अनुमते आर्य गतः सह मा मास शुश्रूषाम कार्षित सह, वो इन सब की सेवा ना कर सके, वो व्यक्ति इन सब की सेवा का अधिकारी ना बने, अर्थात इन सब बड़ों की सेवा न करने का दुर्भाग्य उस व्यक्ति को मिलता है जो पापी होता है। ये मतलब विधि वाक्य नहीं, ये तो दंड वाक्य बन गया। यहाँ पर करनी चाहिए, ऐसे नहीं कहा यहाँ पर कि यदि हमने श्री राम को वन में भेजा है तो हमें देवों की, पितरों की, माता पिता की सेवा न करने का फल मिले। स शुश्रूषाम मा कार्षीत, वो सेवा न कर पाए अपने बड़ों की यदि उसने श्री राम को वन में भेजा है तो। तो एक तरह से हम इनको कर्तव्य कर्म कह सकते हैं, और कर्तव्य कर्म से भी व्यक्ति को पुण्य मिलता है, और कर्तव्य कर्म न करना ही पाप है। पाप किसको कहते हैं? पापानाम अपेयानाम। अपेय मतलब जो आचरण करने योग्य नहीं है, जो पान करने के योग्य नहीं है। तो जो आचरण करने के योग्य नहीं है वो पाप है। संध्या उपासना का त्याग करना त्याग करने के योग्य नहीं है, माने वो प्रमाद करने के योग्य नहीं है, फिर यदि प्रमाद करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। विद्या अध्ययन में आलस्य प्रमाद करना पाप है, क्योंकि अपेय है ना वो। सेवा करने वाले सेवा में मन ना लगाएं तो पाप है। गृहस्थी होकर के कुछ रोजगार आदि ना करें, धन आदि ना कमाएं तो पाप है। तो हर व्यक्ति के किसान होकर के खेत में ना जाए तो पाप है। सीमा पे जो जवान खड़ा है वो वहां पर कुर्सी पे बैठा रहे, सजग होकर ड्यूटी ना करे, पाप है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, गार्ड हैं, कुर्सी पे बैठ के सो जाते हैं, तो कौन आया कौन गया उनको पता ही नहीं। तो कई बार उनके सिर पे जो टोपी ओढ़ रखी वो उठा उठा के इकट्ठी करी कईयों की, बाद में बांटनी पड़ी, और क्या कर सकते हैं, सॉरी बोल देते हैं, जी नींद लग गई, आंख लग गई। तो भाई तुम्हारी तो ड्यूटी है ही नहीं ना आंख लगाने की। मतलब जो गार्ड है, गार्ड यहाँ गेट पे खड़ा है और ऊपर से कोई बहुत बड़ी वस्तु नीचे गिरती है, गार्ड को पता ही नहीं क्या गिर गया, तो काहे की ड्यूटी है उसकी। तो इसको क्या कहा रामायण में? पाप है। गृहिणी होकर घर को ना संभाले, कुछ गृहिणियां होती हैं ऐसी, उनके घर में जाओ तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा, बच्चों के खिलौने कहीं पड़े हैं, घर का सामान, कटोरी, चम्मच, गिलास,
कहीं कपड़े पड़े हैं और ये माता जी सोफा पे बैठ के सीरियल देख रही है आदर्श बहू का, तो ये पाप है। आदर्श बहू देखने से थोड़ी बनती है, आदर्श काम करने से बनती है। तो अपना अपना कर्तव्य का पालन न करना ही अपने आप में पाप है। तो ये कह रहे हैं ये मेरे को पाप लगे कि मैं अपने बड़ों की सेवा करने का अधिकारी न बनूं, ये पुण्य का भागी मैं ना बनूं अगर मैंने ऐसे किया हो तो। सताम लोकात सताम कीर्त्या संजुष्टात कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः। आजकल तो उल्टा हो रखा है, जैसे दो तीन बच्चे हैं या दो भी हैं, तीन भी छोड़ो ज्यादातर तो दो ही होते हैं आजकल तो फिर वो ना छह छह महीने की पारी लगा लेते हैं कि छह महीना माता पिता हमारे यहाँ रहेंगे, छह महीना आपके पास, या तो माँ को आप रखो पिता को हम रखेंगे। तो बेचारे कहीं आपस में बातचीत कर लेते सुख दुख की, तो उसको और अलग कर देते हैं। और यदि कोई उनमें से एक कह दे कि नहीं एक एक को क्या रखना है, दोनों हमारे यहीं भेज दो, बड़े खुश दोनों पति पत्नी कि अच्छा ही हुआ, एक आफत थी और अपनी इच्छा से इन्होंने मांग लिया। तो ये क्या है, घर में पाप घुस गया। जो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते, जो अपने पितरों की बड़ों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो बचता है ना व्यक्ति तो आजकल। वो किसी ने उसमें डाल रखा था सोशल मीडिया में, तो वो कोई व्यक्ति फोन कर रहा किसी को, बोले हाँ हाँ माता जी आ जाओ कोई बात नहीं है, बस अभी मेरी भी छुट्टी है दो तीन दिन की और अपनी पत्नी का नाम ले रहा है, इसकी भी छुट्टी है, हम दोनों यहीं हैं आप आइए। और वो पत्नी सुन रही तो वो इशारे कर रही कि क्यों आफत मोल ले रहे हो, क्यों बुला रहे हो, मैं तो जाने वाली हूँ कहीं टूर पे। उसने जैसे ही फोन काटा नहीं उसने वो फोन ऐसे कर लिया, वो कई बार बंद कर देते हैं ना वॉइस, और बोले हाँ क्या कह रहे हो, बोले मेरे को तो अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाना है, कहाँ ये आप इनको बुढ़ी को यहाँ बुला रहे हो, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। बोले अच्छा तो लो फिर आप ही बात करो। तो उसने बात की, बोले मैं तो ना वहाँ जा रही हूँ, उसने कोई प्रणाम नमस्ते कुछ नहीं किया, बोले मैं तो 5 दिन के लिए वहाँ टूर पे जा रही हूँ इसलिए आप अभी कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसे कह के वो फोन उनको दे दिया अपने पति को। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है माता जी, यदि ये नहीं चाहती है तो फिर आगे कभी देखेंगे, वैसे मेरी तो छुट्टी थी तो आप मेरे पास आना चाहें तो आ सकती हैं। तो ऐसे कह के उसने फोन बंद कर दिया। और वो फिर थोड़ी देर के बाद कह रही कि सुनो मेरी माता जी ना मेरे को कई दिन से बुला रही हैं तो मुझे अपने गांव जाना है। वो बोले तेरी तो माँ का फोन था। तो वो फिर सिर पीट रही कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो सोचा आपकी माँ का फोन था। ऐसा तो आजकल पुण्य कमाने वाले हो रखे। तो रामायण तो कहती है भाई जिनको इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है वो ही पुण्य आत्मा है, माता पिता का, पितरों का, देवों का। और आगे कह रहे हैं सताम लोकात सताम कीर्त्या संजुष्टात कर्मणस्तथा अद्यैव क्षिप्रम भ्रश्यतु यस्य अनुमते आर्यगतः। माता कौशल्या को कह रहे हैं जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हों तो वो व्यक्ति अद्यैव आज ही क्षिप्रम भ्रश्यतु शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, गिर जाए। किससे? सताम लोकात, सज्जनों के लोक से, सज्जनों की सत्संगति से वो आज ही दूर हो जाए। तो इसका मतलब सज्जनों के लोक में रहना, सज्जनों की संगति में रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।